बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को संसाधन उपयोग के बारे में बता रही हूँ। मानव अपनी संस्कृति और टेक्नोलॉजी का विकास करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग जितनी मात्रा या अवस्था तक कर लेता है, उसी मात्रा और अवस्था तक ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। अर्थात, मैंने पहले भी आपको बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं, जो मानव के उपयोग में आ रहा है। यानी जो संसाधन मानव के उपयोग में नहीं आ रहा है, वो संसाधन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। मनुष्य जिस भी वस्तु का प्रयोग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए या अपने विकास के लिए प्रयोग में लाता है, उसे आप संसाधन कहते हैं। तो संसाधन भूगोल में भी इन संसाधनों के अध्ययन आवश्यक होता है। अब मानव ने विभिन्न संसाधनों का निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया, जैसे वायु। वायु जीवन के लिए सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यकता आपको होती है वायु की। और वायु प्राणी, पृथ्वी के जितने भी जीवित प्राणी हैं, छोटे से छोटा कीड़ा और बड़े से बड़ा जानवर, सभी यानी समस्त प्राणी, मानव, जंतु, वनस्पति, सभी वायु में ही सांस लेकर जीवित रहते हैं। तो मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देने के अलावा वायु के अन्य उपयोग भी हैं। यानी हमें वातावरण या वायुमंडल से केवल ऑक्सीजन ही नहीं मिलती है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं वहाँ पर उपलब्ध, जो हम अपने तकनीकी विकास में और अपने अन्य कार्यों में उनको उपयोग में लेते हैं। वायु पृथ्वी तल के गर्म, जैसे वायु पृथ्वी तल को गर्म रखने में सहायता करती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में जल वाष्प और आर्द्रता को ले जाती है। यानी बारिश का माध्यम वायु ही है ना? और मानव इस वायु का उपयोग जो है, वायु परिवहन के लिए भी करता है। वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, जिसका उपयोग मानव अपने उर्वरकों में करता है। ठीक है, तो ये मानव के उपयोग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी भूमि की। फिर दूसरा आपका है सौर ऊर्जा। देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन है, और ये प्राकृतिक संसाधन को हम किस प्रकार से उपयोग में ले रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अब सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, अर्थात सूर्य ताप, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और उन किरणों के द्वारा जो ऊर्जा या जो गर्मी आपके भूमि को पहुंचाई जाती है, वहाँ से आपके वनस्पति उसको ग्रहण करती है, उस ऊर्जा को मनुष्य ग्रहण करता है। तो ये एक ऐसा संसाधन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यानी सौर ऊर्जा की ऊष्मा, सूर्य ताप सौर ऊर्जा है, और इसका उपयोग मनुष्य अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए करता है। और यह एक ऐसा सतत प्रातप्य नवीनीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, जिसको कभी भी आप समाप्त प्राय स्थिति में, जिस दिन ये समाप्त होगा, शायद सृष्टि ही समाप्त होगी, क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ ही मनुष्य का जीवन शुरू होता है। तो सूर्य एक ऐसा संसाधन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें
जो भी संसाधन, जैसे अन्य संसाधन है ना, जल, वनस्पति, जंतु, मानव, ये सब शक्ति प्रदान करने वाले स्रोत हैं और इन सबको शक्ति सूर्य ऊर्जा से मिलती है। तो पृथ्वी के धरातल पर सौर विकिरण का केवल 43% भाग ही पहुंच पाता है और इस 43% भाग को मनुष्य अपने विकास के लिए उपयोग में लाता है और पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के संचालन में शक्ति का कार्य ये 43% ऊष्मा ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग होता है। इसको आप विद्युत उत्पादन में, और अब तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सोलर पैनल आपके जगह जगह घरों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, बड़ी बड़ी जो आपकी आवासीय कॉलोनियां बनती हैं उनमें, आपके बड़े बड़े उद्योगों में, सब जगह सौर ऊर्जा को बिजली के रूप में काम में लिया जा रहा है और सभी लोग सोलर पैनल लगवा कर अपने आप को लगातार एक सस्ती बिजली और निरंतर मिलने वाली बिजली, यानी कभी बिजली कटौती नहीं होती उसमें, वो आपको उपलब्ध हो जाती है केवल एक सोलर पैनल लगाने से। तो सौर ऊर्जा ऐसी है जिसकी ऊष्मा, जिसका ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी और ये ऊर्जा हमें हमेशा हमारे विकास के लिए प्राप्त होती रहेगी। इसमें हम, इसमें जो आपकी सौर्य सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन करने लगे हैं आजकल, वो हमारे आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा सहयोगी बनने वाला है। आगे आने वाले समय में हमारे पास जैसे वायु का उपयोग, पवन चक्कियों का उपयोग, आपके सौर ऊर्जा में सोलर पैनलों का उपयोग, वही आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम में आएंगे। तीसरा है आपका जल। वायु के बाद जल मनुष्यों, जंतुओं और वनस्पति के जीवन को, जीवन के लिए सर्वप्रमुख आवश्यक होती है। अब जल के अनेक उपयोग हैं, जैसे सबसे पहले आप पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, फिर आपके घर में जितने काम होते हैं, चाहे वो बर्तन मांजना हो, वो चाहे घर की सफाई हो, चाहे आपका स्वयं का नहाना धोना हो, सभी कार्य जल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो एक काम हो गया आपका घरेलू कार्य, दूसरा नगर निगम द्वारा नगरीय जल की आपूर्ति, जो आपको जगह जगह नगर निगम के द्वारा टंकियां बनाई जाती हैं और एक निश्चित स्थान से पूरे शहर को जल की आपूर्ति करवाई जाती है। फिर कृषि फसलों को सींचने के लिए नहरों का निर्माण, और वहां पर भी पानी के कनेक्शन का इस तरह से उपयोग देना कि वहां पर जल की आपूर्ति हो सके। फिर नेक्स्ट है आपका पशुओं के लिए उपयोग में, यानी पशुओं के लिए, जब जो भी लोग पशुपालन का काम करते हैं वो पशुओं को पानी पिलाने के साथ साथ नहलाना, उनका जो स्थान है उसकी सफाई, ये सारा कार्य भी पानी की सहायता से ही करते हैं। और फिर आपका अगला पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन, जो कि आपके लिए कोई जितने बड़े बड़े नदियों पर प्लांट बनाए गए हैं, जैसे राजस्थान में रावत भाटा है, तो ये सारे जल विद्युत उत्पादन के लिए सहयोगी और आपकी पंचक्कियाँ चलाने में काम में आते हैं। फिर आपके निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग में किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए, उसकी धुलाई, उसको गर्म करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, उससे अवांछित तत्वों को निकालने के लिए, सभी चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपको मतलब जैसे आर्द्रता बढ़ाना, धातु ठंडा करना, उसकी सफाई धुलाई, बहुत सारे काम होते हैं। फिर कूड़ा कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग से निकलते हैं बहुत सारा कचरा, और बहुत सारा कूड़ा कचरा ऐसा है जो आप घरेलू उसमें भी देते हैं, इन सब को बहाने के लिए भी आपको
जल की आवश्यकता पड़ती है। फिर नौ परिवहन, मत्स्य पालन के लिए यानी मछली पालन के लिए, और मनोरंजन जैसे आपके वाटर पार्क वगैरह सब आजकल बनाए जाते हैं, पूल्स बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल बनते हैं, तो ये सब आपके जल की आपूर्ति जो है वो आपकी इस बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद आपका थल यानी भूमि, तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया। सबसे पहले आपका आया था भूमि, सॉरी सबसे पहले आपका आया था वायु, फिर आपका आया सौर ऊर्जा, फिर आपका आया जल, और उसके बाद आपका आया भूमि। और भूमि के बारे में ये कहेंगे कि मानव का भूमि से, जड़ से हमेशा ही नाता रहा है, रहेगा। कभी भी मानव भूमि से अलग हटकर अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मानव का जीवन जो है वो पृथ्वी पर ही आधारित है, पृथ्वी पर ही उसे रहने के लिए, भूमि पर ही रहने के लिए वो मकान बनाता है, भूमि पर ही अपने औद्योगिक संस्थान बनाता है, भूमि पर ही उसकी कृषि कार्य होते हैं, उसका औद्योगिक विकास होता है, उसका जितने भी कार्य हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जमीन के बिना मानव के बारे में या मानव के बारे में सोचना भी एक कल्पना मात्र है, क्योंकि बिना भूमि के ना बस्तियाँ होंगी, ना पशुचारण होगा, ना कृषि होगी, ना व्यापार होगा, कोई भी प्रक्रिया बिना भूमि के संभव नहीं है। तो ये इससे आगे के जो कुछ उपयोग वाले संसाधन रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं आपको यहीं समाप्त कर रही हूँ, और इससे आगे का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। धन्यवाद।